चलो अभी निकल रहा हूँ मैं पांडरकवडा जाने के लिए। पांडरकवडा जाएंगे आज, मोस्टली अपना हॉल्ट हो जाएगा उधर, और फिर कल निकलेंगे हम लोग नागपुर। मैप चालू कर देते थोड़ा, क्योंकि ये एरिया थोड़ा नया है मेरे लिए। अभी मैंने इनसे रीज़न पूछा कि सिंगल लोगों को अलाउ क्यों नहीं करते, तो इनका कहना है कि ऐसे केसेस हुए कि जहाँ पे जो सिंगल पर्सन है तो वो सुसाइड करते हैं, और उसी की वजह से उनको अलाउ नहीं करते हैं। क्या ठीक है, अभी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उन लोगों की वजह से यार जो सच्ची में नीडी है उनको प्रॉब्लम होता है ना। एनीवेज हाईवे पे बहुत सारे लॉज रहते हैं, सो नॉट टू वरी अबाउट। तो आप वहाँ पे भी रुक सकते हो, यहाँ पे लॉज है इफ़ यू आर कमिंग विथ योर फैमिली, तो लॉज काफ़ी है यहाँ पे। धर्मशाला भी है, भक्त निवास भी है, तो आप वहाँ पे रुक सकते हो। भक्त निवास या फिर जो धर्मशाला है वो थोड़े सस्ते हैं। लाइन में एक साथ काम हो गए इस बार, और मैं कह सकता हूँ भले ये ट्रिप थोड़ी कन्फ्यूजिंग थी, लेकिन जो डिसाइड किया था वो अच्छे से हो गया। और इन सब चीज़ों में से एक बात तो मैं बोलूँगा भाई, दर्शन बहुत सही तरीके से हो गया, मतलब कांट इमेजिन। मैंने जब से ये बाइक चलाई है तब से मेरा एक भी फ़ोटो नहीं है बाइक के साथ, क्योंकि मुझे फील अलग ही हो रहा है, क्योंकि मैं एकदम बड़ी वाली स्पोर्ट्स बाइक चला रहा हूँ, ऐसा ही लग रहा है मुझे। एक्सप्लोर करने के लिए विदर्भ में भी बहुत कुछ है, सिर्फ मालूम रहना चाहिए। अगर आपके कोई रिलेटिव्स है, अगर आप किसी को वहाँ पे जानते हो, सो आपको बहुत कुछ मिल सकता है। और मेरा टारगेट वही है कि विदर्भ में जितना भी है ना, जितना मतलब जो चीज़ें लोगों को मालूम नहीं वो सब मेरे चैनल के थ्रू उनको दिखाने हैं मुझे, ये मेरा टारगेट है, और धीरे धीरे उसे अचीव कर रहा हूँ मैं। आलिदाबाद होके मैं जा सकता हूँ, लेकिन वो थोड़ा लंबा रूट पड़ेगा। नहीं काका, पांडरकवडा कितनी लंब है? मैंने इतना जाओ कि दूसरी कड़ून दो, हाँ इतना है गए। अच्छा चला, कुंडम सारकानी, बरोबर, ठीक है, धन्यवाद। आप अगर जालना से अकोला आ रहे हो, या फिर अमरावती आ रहे हो, या फिर शेगांव खामगांव आ रहे हो, तो आपको ऐसे ही रोड्स मिलेंगे सेम टू सेम, और मतलब टिप टॉप है एकदम, कुछ गड्ढे नहीं है, कुछ नहीं, थोड़ा पैच रहेगा गंदा, वो भी अभी रिपेयर किया रहेगा, लेकिन बहुत लंबा लंबा पैच खराब है ऐसा तो कहीं पे भी नहीं है अभी। आदिलाबाद 58, अरे बाप रे, आदिलाबाद से ही जा रहा हूँ शायद मैं, या तो मालूम नहीं, अभी मैप तो लेफ्ट लेने बोल रही है और आदिलाबाद लेफ्ट में ही है, तो बॉर्डर क्रॉस होगी या नहीं मालूम नहीं, लेट्स सी। रास्ते अच्छे हो तो किधर से भी जाने को कोई टेंशन नहीं है, पूछ लेते हैं फिर भी। ये TS में बॉर्डर क्रॉस किया क्या? यहाँ पे TS का नंबर प्लेट दिख रहा है। ओहो, और एक आ गया भाई अपना स्टेट। दादा पांडरकवडा किधर है? पांडरकवडा सीधा यार, मैं तेलंगाना पहुँच गया देखते ही देखते, लेकिन ऑटो छोड़ के बाकी सब MH ही है इधर, ऐसा कैसा? ट्रक का पासिंग तो किधर का भी हो सकता है, लेकिन बाइक और कार यहाँ पे क्या मालूम। ये देखो ऑटो तो AP, ये तो AP आंध्र प्रदेश है। ये देखो ये गेहूँ है शायद, गेहूँ या कुछ, ये कॉटन का है ये मालूम है। ये साइड भी कुछ है, बहुत सारी खेती है। ओ वाओ दादा, ये महाराष्ट्र है कि तेलंगाना है? महाराष्ट्र है ना, जवर है का? अच्छा, पैर रखने को जगह नहीं है पैर किधर रखूँ अभी ऐसे? हाँ ऐसा भी अच्छा लग रहा है। ब्रेक लेते हैं यहाँ पे अभी, गुरुदेव मंदिर मेरा उधर तो जाना नहीं हुआ, सो यहीं पे ठीक है। अभी जस्ट एक स्पीड ब्रेकर आया जो दिखाई नहीं, और गाड़ी उस पे से बम्प हुई।
इतना कुछ नहीं हुआ, स्लो थी, ज़्यादा फास्ट नहीं थी, लेकिन एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि एकदम काला काला रोड है उस पर तुम लोग काले स्पीड ब्रेकर बना रहे हो, उस पर कुछ तो रिफ्लेक्टर या फिर कुछ तो रहना चाहिए ना, गड्ढे है, रिफ्लेक्टर नहीं है, क्या बोले अभी, नुकसान हो जाता है गाड़ी का। लेकिन अगर हेलमेट ना पहनो और अगर कुछ इलीगली गाड़ी चलाओ तो फाइन पड़ जाता है। श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, श्री गुरुदेव दत्त। चलो निकलते, अच्छा लगा रुक के बात करके। मेन मतलब मेरा पिछवाड़ा जो था वो, उसको आराम मिला है अभी। चलो धन्यवाद। लोग मिलते हैं, लोगों से बात करना होता है, कांटेक्ट बढ़ता है, बॉन्ड बढ़ता है, यही सब अच्छा लगता है मुझे करने में। उनकेश्वर, पांडरकवड़ा एंड सीधा अगर जाएंगे तो अलीदाबाद, ये साइड में है पांडरकवड़ा। अरे हाईवे ढूंढ रहा हूँ मैं, हाईवे नहीं मिल रहा है। नहीं देखो ये ऐसे रास्ते हैं जहाँ पे गड्ढे आ रहे हैं, स्पीड ब्रेकर आ रहे हैं, वो कैसे दिखेगा एकदम। पहले रास्ता बहुत अच्छा रहता है और अचानक स्पीड ब्रेकर आ जाएगा, ऐसे गड्ढे आ जाएंगे। रात को तो कितना डेंजर रहता रहेगा ये, और जब आजू बाजू में अंधेरा रहता है, मालूम नहीं है कुछ, बाइक और तेज़ी से चलाता हो, क्योंकि आजू बाजू में मालूम नहीं कोई उड़ गया बीच में ही, रास्ते में आ गया, तो बोल नहीं सकते, ऐसे केसेस बहुत सुने हैं। क्योंकि इसके लिए मैं पिछले बार जब समृद्धि एग्जिट करके कारंजा टू मूर्तिजापुर आए गए, रोड था वो, तो उस रोड पे भी भयानक था। मैंने वीडियो में भी बोला था कि फैमिली के साथ आना इज़ नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि हम लोग जा रहे थे, मैं सच्ची में जो हुआ मेरे साथ वो बताता हूँ। हम लोग जा रहे थे और साइड में ना दो बार टॉर्च दिखे, मतलब ऐसा लाइट पास हुआ है या किसी ने अपने गाड़ी पे लाइट मारा है, ऐसा मैंने देखा। एंड तभी समझ गया मैं कि भाई ये रास्ता इज़ नॉट गुड, या ऐसे रास्ते बराबर नहीं है, उससे अच्छा अगर अमरावती साइड से जाता तो बेटर रहता। उसमें भी रास्ते अगर ऐसे रहे और आपको टॉर्च दिख गया या कुछ हो गया, ये देखो ऐसे साड़ियाँ लटकाई है साइड में चादर साड़ी है क्या मालूम, वो हिल गया गलती से, आपकी नज़र गई, आप फोकस्ड हो सामने लेकिन सडनली आपकी नज़र जा रही है उस पर, फिर तो और भी वाट लगती है। और ये क्या है, महाराष्ट्र शासन भंडारा, भंडार गृह उंकेश्वरी, अच्छा ये उंकेश्वर है। अभी यहाँ से मुझे लेना है लेफ्ट। ऐसे लोकेशन देखने के बाद पूरा जो स्ट्रेस आता है ना बैक पे या फिर बम पे, वो थोड़े हद तक कम हो जाता है। मतलब ब्यूटीफुल जगह है ये एकदम, बाकी तो बाइक एकदम मस्त है यार, एक नंबर परफॉर्म कर रही है, कोई भी तकलीफ नहीं दी है, कुछ भी नहीं। मेरा एक्सपीरियंस बताऊँ पावर के हिसाब से तो 150 cc के पावर के हिसाब से बहुत है, मतलब सेटिस्फाइड। ओके, या तो साइन बोर्ड है यवतमाळ 80 घटांजी 42 पाखा 23 केळापूर नहीं मालूम, पांडरकवडा नहीं मालूम, नागपूर नहीं मालूम। फनी चीज़ बताता हूँ, अपना प्रवास सुखाचा जाओ, बराबर रास्ते देखो कैसा जाएगा प्रवास सुखाचा। जस्ट जोकिंग, रास्तों का काम चालू है इसके लिए ऐसा है। ये स्पेशली पांडरकवडा की जो ट्रिप बोल सकता हूँ मैं, माहूर टू पांडरकवडा, ये और भी मज़ा आ रहा है क्योंकि आजू बाजू में पूरी हरियाली है, पेड़ है, सनसेट भी होने को टाइम है वैसे, लेकिन ठीक है। एंड शांति है, शांति, ट्रैफिक नहीं, किचकिच नहीं, मगजमारी नहीं, कुछ एकदम मस्त है। और गाड़ी भी अच्छी परफॉर्म कर रही है जैसे मैंने पहले भी बोला, और बैग का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैग को मैंने बंजी कॉर्ड से बांध दिया है वैसे, इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। चले अभी निकलते हैं, धीरे धीरे ऐसी फ़ोटो वीडियोग्राफी करते करते ही जा रहा हूँ मैं। ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर हो गया रहेगा अभी तक, ऐसे ही रास्ता है।
रास्ता कितनी खराब है सलाम। काय काय? अच्छा कितनी लंबाई थे? अच्छा ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर के बाद ये रास्ता अच्छा आया बाबा फाइनली। इफ रोड्स आर गुड देन योर राइड इज गुड, इफ रोड्स आर नॉट गुड योर बम्स आर गॉन। कॉर्नरिंग करने में मजा आता है इसमें। एक नोटिस किया मैंने कि जब झुक के चलाएंगे ना विंड ब्लास्ट कट होके स्पीड बढ़ जाती है, और जैसे ही सीधा हो जाएंगे फिर से स्पीड नॉर्मल हो जाती है। ए बाबा ए, हो गया हो गया हो गया, आया टू लेन, आया टू लेन नहीं ये डेड लेन लग रहा है रास्ता। ब्रेक लिया जाए ऐसे लग रहा है मुझे, मैं एक चाय की टपरी देख रहा हूँ जहाँ पे बैठूँ पानी पीऊँ। कॉर्नरिंग कॉर्नरिंग कॉर्नरिंग, ओहो मैं पूरा नहीं करता, पूरी नहीं झुकाता क्योंकि मेरे को उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, और उससे भी ज़्यादा मतलब यहाँ पे टर्न पे ओवरटेक किया जाता है, इसके लिए तो भाई फालतू में रिस्क चाहिए। पहुंच गया हूँ मैं पांडर कौड़ा, और लास्ट का जो पैच था वो एकदम ख़राब था, मतलब लिटरली बैक उस टाइम पे पेन होना शुरू किया। अभी नहा धो के मस्त फ्रेश हो गया हूँ मैं, कल नागपुर जाना है, अभी ज़्यादा एनर्जी नहीं है कुछ बोलने की, लेकिन सब आज अच्छे से हो गया। दर्शन तो भाई आज के दिन का बेस्ट मोमेंट कह सकता हूँ कि वही था, दर्शन जल्दी हो गया, राइड भी अच्छी हुई, सिर्फ लास्ट में थोड़ा प्रॉब्लम है, बाकी एवरीथिंग वॉज फाइन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा तो लाइक करो, नए हो तो सब्सक्राइब करो, और मिलता हूँ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी पॉजिटिव एंड कीप गोइंग।